तो गाइस, तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं एंड हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं, मेरी सिस्टर एंड चिकी, हम तीनों लोग जा रहे हैं। सो गाइस, तो बस अभी हम सब निकल चुके हैं। मैं, मेरी बहन एंड मेरी बेटी, हम तीनों अपने लोकेशन, क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। नहीं, डेस्टिनेशन मतलब होता है कि जहाँ, मतलब जो मेरा जगह पहुँच जाते हैं ना। अच्छा, सॉरी, मेरा इंग्लिश वीक है, आप लोग समझ सकिएगा, समझ जाइएगा, सॉरी। और सूर्य भगवान ही मेरे अपोजिट साइड है, तो इसलिए मेरे कैमरे में पूरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। वेट, आप लोग के साइड मौसम किया कैसा किया है आप लोग बताइएगा। इधर तो धूप बहुत अच्छा निकल रहा है, तो इसी वजह से मैंने कैप वगैरह नहीं लगाया, पर चिकी को मैं कैप लगा दी थी क्योंकि बाइक पे बहुत ज़्यादा हवा आता है। सो बच्चे को तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो बस तबीयत ख़राब ये सब रहता है, इस वजह से मैं पहले चिकी को पहना दी थी कैप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग आ गए थे बाहर, मतलब अपने कैंपस से, एंड इतना ज़्यादा यहाँ पहाड़ दिख रहा था और धूल इतना उड़ रहा था, हवा इतना चला था। सो फाइनली हम अपने लोकेशन पे आ गए। थोड़ा चटपटा बनाइएगा भैया। कैसे खिला रहे हैं? हाँ, बोबो क्या खाएगी? क्या बाबा गोलगप्पा खाएगी? हाँ। सो गाइस, तो काम आधा करके कंप्लीट आ गया और वहाँ पे कैप्चर नहीं किए। अभी हम बता दे रहे हैं, गए थे कैफे में एंड इतना ढूंढते ढूंढते मिला है ना कि दिमाग खराब हो गया है। वो भी बंद करके जा रहा था तो हम बोले जल्दी जल्दी चलो, मेरा कर दो भाई, अभी मेरी बहन का हुआ नहीं है। तो बस तभी इतना में कितना 3 बज गया। अभी जा रहे हैं हम लोग घर, घर जाएंगे फिर आप लोग से बातें करते हैं। तो गप्पा खाए हैं, अच्छा लगा है। जूस न बताना था जी, जूस भी पिए, गोलगप्पा भी खाए, दोनों चीज। तो चलिए, और मेरी बहन बेटी सिर्फ चिप खाई, चिप नहीं, चिक्की। नाना आ गया, नाना आ गई, तो चलो पीपी पे घूम के आ गई, तो चलो अब काबा खाई। हाँ तो चलो चलो। सो फाइनली हम लोग आ गए घर पे एंड मेरी बेटी अब चलेगी नहीं, चलो धीरे चलेगी, चलो चलिए चलते हैं घर पे। बाप रे। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी नहा धोवा के रेडी हो गई है। नेल पेंट कहाँ लगाई है? हाँ, नेल पेंट लगा के रेडी हो गई है। इसको नहाने के साथ साथ नेल पेंट, लिपस्टिक सब लगाना रहता है, लिप बाम को लिपस्टिक कहती है। तो यहाँ पे रेडी हो गई है एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हाँ, और मैंने आज अपना रूम का जो चादर है वो भी बदल दिया है, देख सकते हैं आप लोग, उल्टा कर दिए हैं। चलो हम आ रही हूँ मम्मा नहा के, फिर तुम चलना, तब तक देखो यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो ब्लॉग एंड आज का दिन है संडे। तो हम आ गए थे नहा धोवा के रेडी होके एंड बाल वाल कंघी करने के लिए। और संडे के दिन ऐसा होता है, अधिकतर सब लोग हेयर वॉश करते हैं, बट मैं ना ज़्यादातर अब संडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ। स्कूल टाइम था तब सिर्फ था कि संडे आता है तो हेयर वॉश करना ही है, बट अब तो संडे मंडे क्या हो, जब मन करता है तब कर लेते हैं हम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली मैं आ गई हूँ नहा के एंड आज मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया है, संडे है तो क्या हुआ, बट मैं ट्यूसडे को करूँगी। एंड फाइनली अपना बेड का देखिए, उस टाइम बोल रही थी मतलब चेंज कर दिया है, चेंज नहीं किया, सॉरी पलट दिया है। कौन कौन ऐसा करता है बताइएगा, मैं तो कभी कभी हमेशा ऐसा कर देती हूँ। तो इसको भी ट्यूसडे को ही साफ़ करेंगे, इस वजह से इसको पलट दिए कि 2 दिन थोड़ा ऐसे हो जाए। और चिकी को भी नहा दिए, मेरा सारा आज काम कंप्लीट हो गया है, मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया है। खाना में मतलब दाल चावल, सिर्फ चावल बनाना एंड रोटी, सब्जी वगैरह जो भी था सब बना दिए हैं। एंड आज संडे है तो इधर 3-4-5 संडे से तो हम ही और मेरी सिस्टर जाते थे मार्केट, बट आज पापा का नाइट है। सो आज पापा एंड मम्मी गए हैं मार्केट, हम नहीं गए हैं,
मतलब मैं और मेरी सिस्टर का छुट्टी है, तो फाइनली नाश्ता वगैरह भी मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड आज का नाश्ता क्या था वो तो मैं शॉर्ट्स में शेयर की हूँ, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या बनाया था। एंड अभी आ गए किचन में और ये देखिए रुकी वेट, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी बेटी की वजह से ऐसे केक रखा हुआ है। एंड ये मेरा फेवरेट में आता है, मुझे ब्रिटानिया केक बहुत ज़्यादा पसंद है। और सारा कुछ धो के फिर से रख दे क्योंकि आज है संडे ना, तो मेरी मम्मी सेना नमक में खाती हैं, तो जो सुबह में नाश्ता बनाए थे वो सब की वजह से इसको फिर से साफ़ करना पड़ा है, सूख गया है, तो ये सब जा रहे हैं अभी हम अरेंज कर देने। और ये सैलेड के लिए मैंने सब निकाल के रख दिया है दोपहर का कि खाएंगे। तो चलिए पहले बर्तन को थोड़ा अरेंज कर देते हैं। एंड ये सब थोड़ा गीला है तो उसको डाल देते हैं, वो सब भी सूख जाएगा। दूध भी खोल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं दूध आ गया था तो मैंने दूध भी खोला दिया है। एंड मेरा दाल भी बन गया है, इसको चेक करेंगे, चना दाल बनाए हैं, चेक करेंगे थोड़ी देर में। एंड यहाँ पे सब्जी बना दी है, उसको रख देते हैं। सच बताओ तो मैं अपने हेयर से बहुत ज़्यादा हो गई परेशान, क्योंकि मेरा बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है एंड इतना ज़्यादा पतला रफ़ हो गया है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड कैसा कट कराऊँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग को कुछ आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी अपना बाल ना डीपीयू करवाया उसके अलावा कुछ करवाया ही नहीं, हमेशा सिंपल सादा रखी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा कट करवाऊँ। बट बहुत जल्द ही कट करवाने वाली हूँ, तो इसलिए सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कैसा कट करवाऊँ। सो फाइनली मैंने अपना बर्तन तो रख दिया एंड मेरी बेटी भी देखिए यहाँ पे आ गई है, उधर से बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है तो ये इतनी बदमाश है, इसको मैं सुबह में ही नहला दी। मत करो ये सैलेड हम लोग खाएंगे। चलो चलो कपड़ा डालने, चलो चलो कपड़ा डाल, छत पे चलो जी। छत पे बहुत सारा बंजर है, बहुत सारा आंटी जो मैं नहा रही थी तो बोल रही थी, मैं बोल मैंने तो नहीं जंग पता, जाकर देखेंगे धीरे धीरे, चला गया है यह है, अभी छत पे जाने के बाद पता चलेगा। तो मैंने कपड़ा साफ कर लिया है, बस उसको डालना है, तो चलिए डाल लेते हैं। फाइनली हम छत पे आ गए एंड दूर दूर तक कोई बंदर नहीं है, नहीं तो मुझे लग रहा था बंदर होगा, तो इसीलिए मैं चिक्की को लेकर नहीं आई हूँ, ये सब तो झाड़ी तौली है। तो चलिए कपड़ा डाल लेते हैं, सच में बंदर इधर बहुत आता है, पर अभी नहीं आया होगा, भाग गया, आंटी झूठ भी नहीं बोल रही होंगी। तो चलिए कपड़ा डाल लेते हैं, मम्मी सुबह में नहा ली थी एंड पापा उन लोग का कपड़ा सब साफ़ हो चुका था तो ये सूख भी गया है, धूप अच्छा किया है। चलिए डाल लेते हैं पहले कपड़ा। तो आ गए थे हम छत से नीचे एंड नीचे आके सबसे पहले दाल जो बन गया था उसको निकाल दिए, क्योंकि सोचे कि चलो फटाफट से चावल बैठा दे। एंड अभी यहाँ पे मेरी बेटी मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, उसको ना मतलब कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। एंड अकेले अभी मम्मी है नहीं एंड सिस्टर भी अभी अपना कुछ काम कर रही थी और मेरे को इतना ज़्यादा वो परेशान की हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। नीचे से आंटी बोल रही थी कि बहुत ही बदमाशी कर रही, नहीं मैं बोली हाँ वही परेशान कर रही है मेरे को, अकेले इसको संभालने में ना सच में दिमाग का दही हो जाता है मेरा। मम्मी नहीं रहती, अगर मम्मी रहती है पकड़ती है तो हम काम कर लेते, नहीं तो इधर से खींचती है उधर से खींचती है, मतलब तो एक कुछ करने नहीं देती। अभी देखिए यहाँ पर हम सैलेड मतलब कट कर रहे हैं ना, तो खिड़की के पास बैठी हुई है एंड एक एक निकाल के खा रही थी और कट करके फेंक रही थी, मतलब बर्बाद कर रही थी। बच्चों लोग एक ये है होता है ना कि मतलब उन लोग को जो चीज़ चाहिए और नया चीज़ देखता है ना तो और भी उन लोग का रहता है कि नहीं मुझे भी देखना है करना है। एंड देखिए बार बार कैमरे के पास आ जा रही थी, मतलब कुछ भी करने ही नहीं दे रही थी, इतनी ज़्यादा शरारती होगी ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आ गई नानी, हाँ नानी देखी देखो, अरे कहाँ गई थी नानी, आ गई, चलिए चलो तो अब जाओ, असली बात पहनी है, कहाँ स्लीपर तुम्हारा, उधर है, कहाँ मत जाओ यहीं तुम रहो, नहीं तुम ही रहो, जाएगी नीचे उतर, जा जा तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ, बाय 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 बाय, हाँ चप्पल पहनो पहनो, बिना स्लीपर पहने नहीं जा सकती है, हाँ हाँ पहनो, हाँ हाँ पहनो पहनो जल्दी पहनो, हाँ पहनो, हाँ जल्दी पहनो, तब तक नाना ऊपर ही आ जाएंगे नहीं तो। हाँ चलो, बैठ जा बाय, अरे जाओ उन लोग को सब्जी लेके आ जाओ, बाय
सो मम्मी पापा आ गए हैं सब्जी लेके एंड मेरी बेटी चली गई नीचे। ऐसे पापा ड्यूटी से आते हैं तो ऐसे ही करते हैं। देखिए हम तो सुला ही नहीं जानबूझ के कि पापा आएंगे तो चिल्लाएंगे, और वैसे भी 12:30 हो रहा था तो नहीं उठाए, कोई बात नहीं। तो पापा मम्मी आ गए हैं, ढेर सारा सब्जी लेके आएंगे पक्का, क्योंकि मेरी मम्मी जाती है ना तो पापा कहते हैं कि एक सब्जी से पेटे ना भरे ना। तो यहाँ पे आया है एक झूला एंड एक यहाँ पे आया है एक झूला, और मेरी मम्मी का मुंह देखिए लाल देख कैसे झाकत रहे। चीप बेटा, चीप नहीं खाना है, चीप कौन खाता है, चीप नहीं खाया जाता है। तो अभी हम आ गए हैं छत पे एंड चिकी को सुला दिया, और मेरा आँख में इतना सारा काजल फैला दिया, उसको सुलाने में तो इतना मतलब वक्त जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। तो आ गए हम खाना लेके एंड आज का अपना स्पेशल खाना सिंपल सादा आपको दिखाते हैं, एकदम सिंपल सा है। तो कभी कभी सिंपल खाना भी खाना चाहिए, डेली डेली मतलब यही खाना खा के ये हो जाता है आदमी। मतलब वैसे भी मेरे को दाल चावल गरम गरम दाल चावल अचार या भुजिया मिल जाए तो मेरा भरपेट हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है चावल, सलाद एंड ये है चोखा, मेरा फेवरेट। तो ऐसा चोखा बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से मैंने इसको मिसा नहीं क्योंकि ठंडा हो गया थाली से, फिर भी अच्छा लग रहा है। नींबू वगैरह डाल के, नींबू लाल मिर्च का डाले हैं एंड दाल सब्जी मूली का अचार मम्मी डाली है एंड सैलेड, यही आज है मेरा दोपहर का स्पेशल खाना। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं एंड धूप थोड़ा कम है, हल्का बादल जैसा कर रहा है, इधर बैठे हैं नहीं तो उधर हम जाके छाया में बैठते। तो खा लेते हैं फिर आप लोग से बातें करते हैं। धूप आ गया, हम पहले उधर खींच लें, खाया नहीं जाएगा